नमस्कार। अपठित काव्यांश का अर्थ होता है कविता का ऐसा अंश जिसे आपने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा हो। इसके अंतर्गत छात्रों को 100 से 150 शब्दों की कविता दे दी जाती है और उससे 6 संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें से आपको प्रश्नों के उत्तर ढूंढने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। सबसे पहले कविता को मनोयोग से पढ़ना चाहिए, दूसरी बार उसके अर्थ को ध्यान से रखते हुए पढ़िए। यदि कविता कुछ कठिन जान पड़े तो बार बार पढ़िए ताकि उसका अर्थ समझ में आ जाए। इस दौरान कविता के नीचे दिए हुए प्रश्नों को पढ़िए और फिर कविता पर ध्यान दीजिए। जिस जिस प्रश्न का उत्तर मिलता जाए उस पर सही का निशान लगाते जाइए और देखिए कि कितने प्रश्न उत्तर देने के लिए रह गए हैं। आवश्यक नहीं है कि आपको पूरी कविता का एक एक शब्द समझ में आ जाए। अगर आपको मुख्य भाव समझ में आ जाए तो भी काम चल जाएगा। कविता एक उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। मस्त योगी हैं कि हम सुख देखकर सबका सुखी हैं, कुछ अजब मन है कि हम दुख देखकर सबका दुखी हैं। तुम हमारी चोटियों की बर्फ़ को यूं मत कुरे दो, दहकता लावा हृदय में है कि हम ज्वालामुखी हैं। लाश्चे भी हमने किए हैं, आतंडव भी हमने किए हैं, वंश मीरा और शिव की विष पिया है और जिए हैं। दूध माँ का या कि चंदन या कि केसर जो समझ लो, यह हमारे देश की रज है कि हम इसके लिए हैं। इस कविता में किस देश के निवासियों की बात की गई है कारण दीजिए। इस कविता में भारत देशियों के वासियों की बात की गई है। मीरा, शिव, लाश्य और तांडव यही की संस्कृति से संबंधित हैं। दूसरा प्रश्न है, लाश्य और तांडव से आप क्या समझते हैं? पार्वती के आनंददायक नृत्य को लाश्य और शिव के ध्वंसकारी नृत्य को तांडव कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, इस कविता में भारतीयों की कौन सी विशेषता बताई गई है? उत्तर है, इस कविता में भारतीयों की उदारता, मस्ती, जोश और विध्वंसकारी शक्तियों का वर्णन किया गया है। चौथा प्रश्न है, इस कविता का मूल भाव क्या है? इस कविता का मूल भाव यह है कि भारतीय उदार जरूर हैं किंतु वे अपने शत्रु को नाकों चने चबवा देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका शीर्षक लिखिए। इसका शीर्षक है, भारत के सपूत। नेक्स्ट प्रश्न है, योगी का विलोम लिखिए। योगी का विलोम होता है भोगी। इस प्रकार से आपको कविता को पढ़ करके सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने होते हैं। ये है अपठित बोध काव्यांश।